This time we are going to study the working of generator, the AC generator. AC generator is an alternating current generator. क्या होता है alternating current? Yes, जिसमें current का direction reverse होता रहता है. Okay, in one direction और अगले ही पल in opposite direction. वहाँ पे लगातार alternately जो current का direction है circuit में reverse हो रहा होता है. ऐसे current को हम बोलते हैं AC current. Right? So, यहाँ पे AC current generate करने वाला generator है, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं. So, this is a basic setup. ठीक है? फिलहाल इसको नहीं देखना, ये वाला चीज देख लो. This is two terminal magnet जो यहाँ set किए गए हैं, north और south आमने सामने, ताकि एक external magnetic field तैयार हो. Okay? और magnetic field lines कहाँ से कहाँ होते हैं? From north to south. और ये जो दो terminal magnets के बीच में यहाँ पे जो स्पेस है उसके अंदर क्या प्लेस्ड है, एक रेक्टेंगुलर पॉइंट ए बी सी डी. राइट? और ये रेक्टेंगुलर पॉइंट्स जो आगे यहाँ पे रिंग्स लगे हैं, ए से जो जुड़ा हुआ रिंग है उसका नाम है एस वन. दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग. दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्लिप रिंग्स. ओके ना? ये स्लिप होता रहेगा इन कंडक्टिंग ब्रशेस पे. ठीक है ना? ये कंडक्टिंग ब्रशेस है, मान लो किसी वायर से बने हुए ब्रिसल साइज के, so that current को conduct कर पाए इस ring के. ठीक है ना? So S1 for this time it is connected or temporarily it is forming contact with B1 ये brush से, और B1 with X this galvanometer, Y B2 again another slip ring, S2 connected to B, और यहाँ पे ऐसा ही circuit. So this is the external part जो यहाँ ये black से draw किया है, ये external part होगा जो जहाँ पे हमको external current कहाँ से मिला या कौन सी डायरेक्शन में होगा वो देखना है. और बाकी जो है ये स्लिप रिंग्स इज कनेक्टेड टू दैट रेक्टेंगल कॉइल. ठीक है ना? अब यहाँ पे अगर हम देखें हमको यहाँ पे करना क्या होगा, दिस जनरेटर और इसके हमको यहाँ पे इसको एक्सटर्नली राइट, या तो हम इस एक्सटर्नल टर्बाइन को क्या कर सकते हैं, हवा से मूव कर सकते हैं. ओके? या फिर पानी से मूव कर सकते हैं. हवा से मूव करेंगे विंडमिल, पानी से मूव करेंगे और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. किसी भी रीजन से अगर हम या स्टीम से मूव कर पाए, ठीक है ना, इसको हमको मूव करना है, इसको हमको रोटेट करना है ताकि ताकि ये कॉइल रोटेट. अगर ये कॉइल रोटेट हुआ, सपोज इट इज मूविंग आउटवर्ड एंड दिस साइड इज मूविंग इनवर्ड, ऐसा मोशन से होगा क्या? यस, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या परमानेंट मैग्नेट के बीच में कॉइल अगर रोटेट होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगा. कौन सी डायरेक्शन में करंट यूज होगा वो देख लेते हैं. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये कौन सा रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगता है यहाँ पे. और कंडीशन क्या है कि जो आर्म्स है, जो वायर्स है, कौन सी वायर में करंट इंड्यूस होगा, जो परपेंडिकुलर है. देखो यहाँ पे दो आर्म्स है, एक है ए बी एक है सी डी, जो हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक लाइन से परपेंडिकुलर है, इनमें करंट जो BC और AD है इनमें करंट इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये कैसे है पैरेलल. बट इन्हीं करंट से जो जो AD और CD में होने वाला इस इन्हीं करंट से यहाँ पे करंट हमको मिलने वाला है. व्हाट इज द डायरेक्शन लेट्स सी. सो दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो इसको मिडिल फिंगर क्या पॉइंट करता है, मिडिल फिंगर पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूस. देखते हैं सबसे पहले ए बी में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये कहां मूव कर रहा है, इनवर्ड थंब पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मोशन. करंट कहां पे जनरेट हो गया यहां पे, यस इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. देखना दोस्तों ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां पे करंट इंड्यूस हुआ. ओके, सिमिलरली अगर यहां पे देखें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थंब, देखो यहां पे मोशन क्या हो रहा है, आउटवर्ड. ओके, एंड द करंट विल बी जनरेटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना? इंड्यूस होगा. So in the internal part of the coil, current का direction क्या हुआ from D to C, और यहाँ से obviously आगे जाएगा complete होगा. So D C B A, ठीक है ना, circuit complete होगा, current ऐसे जाएगा. A से कहाँ जाने वाला है, A से जाएगा S1, ये वाला slip ring है, और S1 इससे contact में फिलहाल के लिए इस पर contact है B1, B1 से जाएगा X में X to Y. देखो अब यहाँ पे करंट कहाँ से जाएगा, from X to Y, और Y से फिर B2, S2, again to D, सर्किट कंप्लीट, राइट? So
होगा यहाँ पे ओवरऑल, लेकिन बाहर जो डायरेक्शन है उसमें ध्यान दो, इट इज फ्रॉम एक्स टू वाई द करंट हियर, दिस हाफ साइकिल इज फ्रॉम एक्स टू वाई। दोस्तों जब ये घूम जाएगा तो दूसरा हाफ साइकिल आएगा, दैट इज जब ये सीधी इस साइड में आएगा, देखो यहाँ ड्रॉ किया उसको मैंने, सीधी इस तरफ आ गया और ए बी इस तरफ। एक बार इसके नीचे की कनेक्शन को देख लो, लोअर कनेक्शन को देख लो, ए बी वॉज कनेक्टेड या इट वॉज कंटेनिंग एस वन, देखो ए बी इस तरफ आ गया लेकिन स्टिल इट इज कंटेनिंग एस वन, उसी से जुड़ा हुआ रिंग है, ठीक है ना। और सी डी ये इसको कंटेन कर रहा है, कौन से रिंग को, कौन से स्लेंडरिंग को, एस टू को दिख रहा है। और बाहर का सेटअप तो भाई इसमें कोई मूव तो हुआ नहीं है, बाहर का सेटअप ऐसा ही होगा, ब्रिसल्स टेंपरेरी कॉन्टैक्ट अभी भी किससे बना के रख रहे हैं, एस वन से, बी वन इज कनेक्टेड टू एस वन टेंपरेरी एंड दिस एस टू इज स्लिपिंग ओवर द ब्रिसल्स। ओके अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी एग्जैक्टली सेम मैनर में घूम तो उसी डायरेक्शन में रहा है, अगर सेम डायरेक्शन में घूम रहा है तो यहाँ भी दिस साइड अगेन दिस विल कम आउट एंड दिस विल बी मूविंग इन, फिर से अगर हम लूप अप्लाई करें तो क्या होगा, हियर एक्सटर्नल फील्ड इनवर्ड करंट विल बी डाउनवर्ड एंड हियर द करंट विल बी अपवर्ड, जैसे यहाँ पे तो एग्जैक्टली वैसे ही डायरेक्शन अप्लाई, राइट। अब ये करंट का डायरेक्शन देखो सिर्फ नाम बदल गए, डायरेक्शन वही है, जैसे यहाँ पे डी सी डी ए था, देखो यहाँ पे डायरेक्शन वही है, नाम बदल गया ए बी सी डी हो गया। अब डी से कहाँ जाएगा, डी से वो करंट जाएगा एस टू में, एस टू से कहाँ जाएगा बी टू में, बी टू से कहाँ जाएगा वाई में, वाई से कहाँ जाएगा एक्स में, और वाई से एक्स में जाने के बाद एक्स से जाएगा बी वन में, और बी वन किस से कनेक्टेड है एस वन से, सो ये होगा काफी कॉम्प्लीट। दोस्तों अब हमको यहाँ पे देख सकते हैं कि इन द फर्स्ट हाफ साइकिल द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल पार्ट वाज फ्रॉम एक्स टू वाई, और यहाँ पे देख सकते हैं इट इज नाउ फ्रॉम वाई, डायरेक्शन देखो अब यहाँ पे रिवर्स हो रहा है, पहले हाफ साइकिल में x टू y फिर y टू x, वापस यही हाफ साइकिल आएगा x टू y फिर y टू x, सो ये जो बाहर की सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी, ऐसे करंट को कहते हैं एसी करंट, और इस तरह के जनरेटर को बोलते हैं एसी जनरेटर, फाइन। अगर अगर हम इसको डीसी जनरेटर अगर हमको देखना हो तो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, डीसी जनरेटर में बस इतना ही डिफरेंस है कि दिस स्लिप रिंग जो यहाँ लगा हुआ है ओके, इसकी जगह पे हमको स्प्लिट रिंग कनेक्टेड करना होगा, ठीक है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सी हियर डीसी जनरेटर में यहाँ पे इट विल बी एस वन एस टू, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट रिंग, अगर ये डीसी जनरेटर है तो ये बन जाएगा स्प्लिट, ठीक है, इसमें प्रश्न्स लगे होंगे ऐसे। अब देखना अगर ऐसा है तो क्या होगा, फिलहाल तो डायरेक्शन एक्स टू वाई होगा फर्स्ट हाफ साइकिल, इफ इट इज रिवर्स द डायरेक्शन इज चेंज तो वहां पे क्या होगा, जब ये रिवर्स अगर जब ये सेकंड हाफ साइकिल आएगा उस टाइम देखो करंट डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम ए बी सी डी जो एज यूजुअल होता है, डी के बाद क्या होगा, देखो डी के बाद ये जाएगा देखो एस टू, ये डी एस टू से कनेक्टेड है, एस टू इस तरफ आ गया यानी कि अब ये करंट कहाँ जाएगा एस टू से बी वन, और बी वन से कहाँ जाएगा एक्स, एक्स से कहाँ जाएगा वाई, और वाई से ये कंटिन्यू करते हुए डायरेक्शन
both the half cycles, yeah, throughout the motion, the current will be in the fixed direction, that is what x to y. Okay, whatever direction you flow with the current, ko direct current, or AC generator, ko DC generator. Right?